छोड़ा, दर्शन करके महाराज श्री के जब मैं वापस गया तो मेरे को 100% काम भी मिल गया, जो मैंने संकल्प लिया था वो काम भी मेरे को तुरंत मिल गया, और मेरी मिसेज को भी 50% से ज़्यादा आराम हो गया है। और अभी भी वो कम से कम जो है डेली 3 किलोमीटर सुबह मॉर्निंग वॉक करने। नमस्कार भक्तों, मैं राघवेंद्र खेमरिया आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ धनरहुआ सरकार का एक अद्भुत चमत्कार। चमत्कारों की कई सारी वीडियो आपने धनरहुआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखी हैं और देखते रहते हैं। आप लोगों का काफ़ी जो है उत्साहवर्धन मुझको प्राप्त हो रहा है धनरहुआ सरकार का प्रचार प्रसार करने में। आप लोग भी मेरी मदद कर रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल से हमेशा के लिए नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के दिन इस वीडियो में हम लेकर के आया हैं धनरहुआ सरकार का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार, जहां इटावा से आए हुए एक भक्त ने बताई पूरी कहानी किस तरह से डॉक्टर धनरहुआ सरकार करते हैं चमत्कार। उस भक्त की पत्नी को इतनी बीमारी थी, इतना इलाज कराया उसने, कई सारी जगह इलाज, आर्मी हॉस्पिटल में इलाज कराया, आर्मी से वो भूतपूर्व सैनिक है और उसने अपनी पत्नी का इलाज आर्मी हॉस्पिटल में भी कराया, लेकिन कहीं कोई लाभ ना मिलने पर अंततः धनरहुआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कई सारे भक्त लोग कल के दिन देखने जा रहे हैं, उन भक्तों को आपका परिचय दे, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है जी? मैं भारतीपुर सैनिक लीग जिला इटावा का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरे पास में तकरीबन जो है 15,500 पूर्व सैनिक जुड़े हुए हैं। मैं 30 साल नौकरी करके सेना में माँ भारती की रक्षा करके और यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर आकर के मैंने अपना संगठन बनाया है और संगठन के साथ मैं समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूँ। जैसा कि महाराज जी ने बताया है कि धनरहुआ सरकार महाराज हनुमान जी के बारे में जब मुझे पता चला मेरे मित्र द्वारा, मेरे पड़ोस में एक हमारे मित्र हैं वो भी फौजी हैं और वो अपने ग्रैंड फादर को लेकर के आए थे, उनको कैंसर था, तो उनका मैंने देखा कि हर जगह निराश होकर के जब महाराज श्री के चरणों में यहाँ पर इन्होंने दर्शन किए और उन्होंने 5 मंगलवार यहाँ आकर के दर्शन किए और वो बिल्कुल कुछ नहीं खा पी रहे थे लेकिन वो बिल्कुल फिट हो गए, तब उनको देख करके मेरे मन में भी ये जिज्ञासा आई और मैंने उसी दिन से ये संकल्प लिया कि मैं 100% कोशिश करूँगा कि मैं महाराज जी के दर्शन करूँ और धनरहुआ सरकार डॉक्टर हनुमान जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दूँ। और मैं जाना कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि जो यहाँ मेरे शब्द हैं वो बहुत कम हैं और यहाँ की महिमा अपार है। महाराज हनुमान जी, धनरहुआ सरकार और डॉक्टर हनुमान जी की महिमा अपार है। मेरी मिसेज को भी प्रॉब्लम था और मैं प्रॉब्लम से ही आया था, लेकिन जब मैं आया तो मेरे मन में ये संशय था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब मैंने ये स्थान छोड़ा दर्शन करके महाराज श्री के जब मैं वापस गया तो मेरे को 100% काम भी मिल गया, जो मैंने संकल्प लिया था वो काम भी मेरे को तुरंत मिल गया और मेरी मिसेज को भी 50% से ज़्यादा आराम हो गया है। और अभी मैं बड़े भाई साहब को लेकर के आया हूँ। क्या क्या बीमारी थी और कितने दिन का समय लगा जो उनको आराम मिला आपकी मिसेज? बीमारी तो मैंने रेजेंसी हॉस्पिटल वगैरह में सब में उनको चेकअप कराया और आर्मी से भी काफ़ी दिनों से मैं इलाज करा रहा हूँ लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं मिला। और यहाँ आए उस दिन के बाद में मेरी मिसेज बिल्कुल जो चल नहीं पा रही थी वो कम से कम जो है डेली 3 किलोमीटर सुबह मॉर्निंग वॉक और बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं। तो आप इटावा से धनरहुआ धाम मंदिर आते हैं, इटावा से कई सारे भक्त लोग धनरहुआ मंदिर आना चाहते हैं जो बाहर से है, तो इटावा एक प्रॉपर लोकेशन है, एक केंद्र स्थान है जहाँ से भक्त लोग धनरहुआ आ सकते हैं, तो उनको आप बताने में मदद करें कि किस तरह से धनरहुआ धाम तक का रास्ता है, इटावा से धनरहुआ धाम किस तरह है। प्रभु की कृपा रही, हनुमान जी की कृपा रही, महाराज श्री के चरणों के आशीर्वाद से मैं जितना भी हो सकता है मैं सभी लोगों को बताता हूँ और हमेशा बताता रहूँगा और कोशिश ये करूँगा जितने भी दीन दुखी और पीड़ित लोग हैं हाँ वो सभी लोग यहाँ पर आएँ और महाराज श्री के दर्शन करें। और यहाँ पे आने का रास्ता सिंपल है,
जब हम इटावा से चलते हैं तो हमको भिंड आना है और भिंड के बाद में महगांव चौराहे से 20 किलोमीटर हम ददरुआ सरकार के मंदिर में आ जाएंगे। महज इटावा से ददरुआ धाम की दूरी कितनी है? महज 70 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर जी जी। तो आप भी आज ददरुआ धाम मंदिर आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर हनुमान के चमत्कारों के बारे में? पहली बार आप इधर मंदिर में दर्शन किए हैं। महाराज जी, हम बताऊँ कि मेरी कर्म भूमि है दादरा नगर हवेली, गुजरात है। अच्छा, हैं जन्मभूमि इटावा है जी। और इटावा भी मकान है, वहाँ भी भगवान की मंदिर घर है, सब लोग परिवार वहीं ज़्यादातर रहता है। महाराज जी, मैंने भाई साहब से माध्यम से सुना ददरुआ धाम का, और महाराज जी अपने पर्चे दे दूँ, बीरेंद्र सिंह यादव मेरा नाम है और दादरा नगर हवेली का पूर्व सचिव हूँ। अच्छा। इसका भारतीय जनता पार्टी का हाँ, और अभी मिसिस को तो जीभ का कैंसर है, तो भाई साहब ने बताया कि ददरुआ धाम चलना है, तो हमको तो पता नहीं था, तो भाई साहब को साथ में लेके आए और यहाँ देखा है, यहाँ पे जो लोग भक्त लोग ने आ रहे हैं तो उनकी महिमा अपरंपार है। जी, बहुत कुछ धन्यवाद। कुछ हमको भी हुआ था महाराज जी कुछ दिन पहले, अब थोड़ा 80% ठीक है, फालिस मार गया था, दादा के चरणों में आए हैं शायद वो भी।